दोस्तों स्वागत है आपका एग्जामटोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के क्रॉन जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो अभी का टॉपिक है दोस्तों आपका चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन जानदार शानदार दमदार रहने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप के लास्ट से जरूर लगा लीजिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों सिलेक्शन स्मार्ट जरूर हो जाए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी क्लास आपको लगातार मिलता रहे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज का टॉपिक आप दक्षिण भारत से संबंधित देख रहे हैं, यहां से चोल चालुक्य पल्लव और संगम युग के। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की दोस्तों संख्या दी गई है। दोस्तों और साथियों जो लघु वेद की संख्या दी गई है ये किसको दिया गया है, अगर आप जानते हैं तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में लगा भी सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा सर कुरल को जो कहा गया है लघु वेद की संख्या दी गई, यानी कि लघु वेद भी कहा जाता है। नंबर टू है चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर दोस्तों विजय प्राप्त किया था। मेरे दोस्तों विजय जो प्राप्त किया था चोल राजाओं ने वह था दोस्तों कौन, वह था राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन समझ सीरे का सही आंसर दोस्तों एसएससी 2004 के ये पूछे गए प्रश्न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब नंबर थ्री है सॉरी, संस्कृत के कवि नाटककार कालिदास का जो दोस्तों उल्लेख हुआ है ये कहाँ पे हुआ। मेरे दोस्तों संस्कृत के कवि नाटककार जो है कालिदास का जो उल्लेख हुआ दोस्तों ये है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। किसमें? एहोल अभिलेख में। नंबर फोर है कि दक्षिण भारत में किस वंश के राजा ने रोम राज्य में दोस्तों एक दूत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक दूत 26 ईसा पूर्व में दोस्तों भेजा गया था। फिर दोस्तों ये जो भेजा गया था दोस्तों ये भेजा गया था पांडे के समय में। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों और पहला प्रश्न नेक्स्ट है नंबर फाइव है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ककोलम का युद्ध जो दोस्तों हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए दोस्तों, ये जो सभी जो मंदिर है ये कहां कहां पे स्थित है ये आपको बतानी है। दोस्तों यही में अगर हम बात करते हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर मीनाक्षी मंदिर की, प्यारे दोस्तों अगर मीनाक्षी मंदिर की हम बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपकी मदुरई में, जो सभी साथियों को पता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करते हैं वेंकटेश्वर मंदिर की दोस्तों ये कहाँ है, दोस्तों ये है आपके तिरुमाल यानी कि आंध्र प्रदेश में। और महाकाल मंदिर जो है दोस्तों ये कहाँ है सर, ये है उज्जैन में। और बेलूड मंदिर फ्रेंड्स हावड़ा पश्चिम बंगाल में। उम्मीद है इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है दोस्तों नंबर सेवन है चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सी वर्यम उद्यान प्रशासन का दोस्तों कार्य देखता था। फिर दोस्तों वह आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी टोड वर्यम, ठीक है। अगला प्रश्न है शिव की दक्षिणा मूर्ति का प्रतिमा उन्हें किस रूप में दोस्तों प्रदर्शित करती है। फिर दोस्तों यह जो प्रदर्शित करती है एक शिक्षक के रूप में दोस्तों प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है चोलों की राजधानी दोस्तों कहां पर, कई बार ये प्रश्न दोस्तों पूछे जा चुके हैं आपके आगामी सभी एग्जाम में लगभग पूछे जा चुके हैं। चोलों के जो राजधानी थी दोस्तों ये कहाँ थी, तो ये था तंजौर। कई बार फ्रेंड्स ये पूछे गए हैं तंजौर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से व्यय जिन शिलालेखों में दोस्तों है वह शिलालेख कहाँ पे है। तो फिर दोस्तों वह है उत्तर मेरूड में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट है, सारे आपके दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, इसलिए क्लास को बहुत ही ध्यान से लगाइएगा, ठीक है। नवी शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की दोस्तों नींव डाली गई थी। पहले दोस्तों यह जो नींव डाली गई थी ये विजयालय के द्वारा दोस्तों नींव डाली गई थी। नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन है जो तमिल रामायण तथा रामा अवतार के दोस्तों लेखक माने जाते हैं। पहले दोस्तों ये हैं कंबन, ऑप्शन नंबर ई रहेगा दोस्तों सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा किसी भी प्रश्न के आंसर जानते हैं तो आप सही आंसर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में भी लगा सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिलेप्स ऑफ दी इरिथियन सी के लेखक दोस्तों कहे जाते हैं और ज्ञात है। पहले दोस्तों वो आंसर रहेगा अमेरिका मेडू, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगक नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया गया। पहले दोस्तों तो यह दिया गया है राजेंद्र को, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने आंसर किया तो सही किया, और एसएससी 2004 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। नंबर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सारे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है, सारे आपके बेहतरीन भी है। नंबर 15 है कि निम्नलिखित में चोल राजा चोल प्रशासन की जो फ्रेंड्स विशेषता थी ये चोल प्रशासन की दोस्तों विशेषता क्या थी, तो यह था ऑप्शन नंबर बी ग्राम प्रशासन की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी रहेगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नंबर 16 है
कि निम्नलिखित में किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकंप नंदी की मूर्ति है जिसे भारत के विशालतम नंदी मूर्ति दोस्तों माना जाता है। दोस्तों ये जो माना जाता है ना, हाँ जी, ये दोस्तों है विरदेश्वर का मंदिर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल सही आंसर, और ये UPPCS 1999 के पूछे गए प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर दोस्तों कहाँ पे स्थित है। पहले दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में, और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों के लिए दोस्तों निगम था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। पहले दोस्तों याद था मणिग्रामम, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट नंबर 19, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, जिन्हें दोस्तों आर्य बनाया है। उन्होंने आर्य बनाया है दोस्तों, और ये SSC 1999 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर कई आगामी एग्जाम में दोस्तों पूछे जा भी चुके हैं। दोस्तों ये रहेगा आपका अगस्त्य, ही ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल दोस्तों किस भाषा में है। धार्मिक कविताओं का संकलन जो कुरल है दोस्तों ये किस भाषा में, पहले दोस्तों ये है तमिल में। किस में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी तमिल रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवकृति जो दोस्तों प्राय है ये कैसी है। दोस्तों ये जो है ना चतुर्भुज में है। कैसा दोस्तों, चतुर्भुज, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से दोस्तों जोड़ता था। किसको, कल्याण को बेंगी से दोस्तों जोड़ता था। तो यह था दोस्तों तगर, ऑप्शन नंबर ए। तोलका पिपियम ग्रंथ जो दोस्तों संबंधित है यह किससे संबंधित है। फिर दोस्तों यह है व्याकरण और काव्य से। किससे है, व्याकरण और काव्य से दोस्तों संबंधित है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में दोस्तों नहीं हुआ है। पहले दोस्तों संगम साहित्य में जो उल्लेख नहीं हुआ वो राजवंश कौन सा है, वह है दोस्तों कदम वंश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दोस्तों दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था दोस्तों। हाँ जी, तो दोस्तों यह जो आंसर आएगा सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था दोस्तों। तो यह था कुलोत्तुंग फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। चोल का राज्य किस क्षेत्र में दोस्तों फैला था। मेरे प्यारे दोस्तों यह था कोरोमंडल तट से दक्खन के कुछ भाग तक फैला हुआ था, ऑप्शन डी रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सारे प्रश्न आपके गांव एग्जाम्स इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर लगे, चुके फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल युग दोस्तों जो प्रसिद्ध था ये किसके लिए प्रसिद्ध था। पहले दोस्तों तो यह जो प्रसिद्ध था दोस्तों यह था ग्रामीण सभाएं के लिए। क्या रहेगा, ग्रामीण सभाएं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित जो दोस्तों हुआ था इसका शासनकाल चोल सम्राट में दोस्तों ये कब हुआ था। तो पहले दोस्तों ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी राजराज प्रथम, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस चीन यात्री ने चालुक्य के शासन काल में चीन और भारत के संबंधों का दोस्तों विवरण दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों यह जो विवरण दिया गया था यह किसने दिया था। प्यारे दोस्तों तो यह जो विवरण दिया गया था ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों यह दिया गया था मातोवालिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों सही आंसर। अगला प्रश्न है, संगम युग में मैयूर किस लिए दोस्तों विख्यात था। प्यारे दोस्तों यह जो विख्यात था यह था दोस्तों कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों सही वाला, राइट वाला आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना चाहेंगे दोस्तों, और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं सारे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन है। नंबर 31 है, तृतीय संगम जो दोस्तों था ना, तृतीय जो संगम हुआ था दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था। प्यारे दोस्तों तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो कदम राजाओं की दोस्तों जो राजधानी थी यह था वनवासी। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था दोस्तों, तो ये जो था दोस्तों मलिक काफूर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ऑप्शन डी रहेगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर दोस्तों स्थित है। पहले साथियों तो यह जो स्थित है ये कौन कौन से हैं दोस्तों, यह है एक तो आपके टोंडी है, दूसरी मुसीर है, तो आप सी के साथ आंसर जा सकते हैं फ्रेंड, सी रहेगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक विख्यात जो हुई थी दोस्तों ये कौन सी प्रतिमाएं विख्यात हुई थी दोस्तों, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा, ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों सही आंसर। अगला प्रश्न है,
कि निम्न में से भारत दक्षिण भारत का कौन से राजवंश है जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए दोस्तों प्रसिद्ध था। किसके लिए? अपने नौसैनिक शक्ति के लिए दोस्तों प्रसिद्ध, और कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है दोस्तों, तो वह है चोल वंश। ठीक है, निम्नलिखित स्थलों पर दोस्तों आपको विचार करनी है जो दिया गया है। पहला है कि चोल ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। दूसरा है आपका, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई तथा कुछ क्षेत्रों में जीता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आंसर आएगा शुरुआत दोनों जो है बिल्कुल सही है, राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है नंबर 38, पांड्य राज्य की जीवन रेखा दोस्तों कौन सी नदी है? पांड्य राज्य की जो जीवन रेखा है दोस्तों वह कौन सी नदी है पहले दोस्तों? तो वह है वैंगी नदी। कौन सी नदी? वैंगी नदी। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर दोस्तों आपको विचार कर लेनी है पहले दोस्तों। तो विचार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा ये कथन सही है ये आपको बतानी है। तो भारत के इतिहासकार के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर दोस्तों विचार करनी, यहाँ से दिया है एरिपति भूमि जिसे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था दोस्तों। तो यहाँ से जो आंसर आएगा ना, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ ताकि आपका कम समय लगे दोस्तों। यहाँ से ये जो है ऑप्शन नंबर डी एक और तीन, ठीक है, एक और तीन, यहाँ से एक वाला और फ्रेंड्स तीन वाला सही है, बाकी ये जो है ये गलत है। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिएगा, गंगे कोड चोलपुरम की स्थापना किसने किया था पहले दोस्तों? तो यह जो स्थापना किया गया था दोस्तों और साथियों यह स्थापना किसने किया था? तो पहले दोस्तों यह किया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, और एसएससी 2001 के प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद का प्रदान किए जाते थे दोस्तों? तो ये जो प्रदान किए जाते थे दोस्तों ये किए जाते थे चालुक्य काल में। ठीक है, अगला प्रश्न है और नेक्स्ट है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः जो प्राय यवन प्रिय शब्द था दोस्तों ये किसका घोतक था? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो घोतक था यह किसका घोतक था दोस्तों? तो वह जो घोतक था, ध्यान दीजिएगा आंसर जरूर आएगा आपके स्क्रीन पे, मेरे प्यारे दोस्तों यह जो घोतक था काली मिर्च का था दोस्तों, ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासन अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी दोस्तों घोषित कर देते हैं? हाँ जी, एसएससी 2002 के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों वह आंसर रहेगा चोल रहेगा सही आंसर। किस चोल राजा ने जल सेना दोस्तों आरंभ किया था? कौन से चोल राजा था जिन्होंने जल सेना आरंभ किया था? दोस्तों वह था राज राज प्रथम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सबसे जो महान शासक था दोस्तों ये कौन था? तो सर यह था पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं आपको दोस्तों, यह था वतापी। चालुक्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? वतापी। कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातत्व के खुदाइयों से दोस्तों प्राप्त हुआ है? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ किससे? तो ये अरिकामेडू से, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर दोस्तों विजय प्राप्त किया था? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो प्राप्त किया था राज राज प्रथम जो था, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि संगम युग में अनवी, मेरे प्यारे दोस्तों संगम युग में अनवी पूजा का प्रचलन जो था दोस्तों ये क्या था दोस्तों? तो आप जो आंसर लगा रहे ना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सतीश, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के सत्यपतों के विषय में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना दोस्तों माना जाता है? मेरे दोस्तों यह माना जाता है किसको? नटराज को। आज भी प्रचलित है नटराज, और यह रवि कोलकाता के पूछे गए प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आपसे बनता है तो दोस्तों आंसर भी जरूर कर लीजिएगा, 72 व्यापारी चीन के किसके शासनकाल में दोस्तों भेजे गए थे? 72 व्यापारी दोस्तों थे चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए थे दोस्तों? ये गया था दोस्तों कुलुतुंग वन के शासनकाल में। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील के स्वरूप दोस्तों प्रदान कर दिया था वह कौन था? पहले दोस्तों वह था राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। शिल्प कप्पादिकारम का जो लेखक था, हाँ जी प्रोनाउंसिएशन में तो फ्रेंड्स गलतियां हो गई तो क्षमा भी चाहूंगा दोस्तों, वह आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लो, ए रहेगा सही आंसर, ए रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, और उम्मीद है दोस्तों कि आप प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एक प्रश्न से कई क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सूची वन और सूची दो को
पदों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए सही कोड का सही उत्तर चुनिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा सर, वो कह रहेगा ऑप्शन नंबर डी को आप लॉक कर सकते हैं सर, डी को लॉक कर सकते हैं, इसको आप दर्शन से मिला दीजिए, ठीक है, और इसको फ्रेंड्स आप व्याकरण से मिला दीजिए, और शिल्पपादिकारम को आप मिला देंगे किससे, प्रेम कथा से, और मणि मैकेले को दोस्तों मिला दीजिए वाणिज्य वाणिक कथा से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि अभी जितने भी क्वेश्चन कराए वो अभी सभी आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक्स में, तब तक ले सभी।